उसमें कनेक्ट करना है कॉम और 8 ओम्स में। कॉम जो रहेगा माइनस रहेगा, 8 ओम्स जो रहेगा प्लस रहेगा, 4 8 ओम्स 16 ओम्स ये प्लस रहते हैं, ठीक है। ये होता है सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ में करंट जो रहता है सेम रहता है, वोल्टेज जो रहता है चेंज होता है। वोल्टेज चेंज होता है बोल के हम सीरीज़ में ज़्यादातर कनेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मेरे पास सेटअप नहीं है बोल के मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी बार मुझे कमेंट आया, अभी भी बार बार मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्शन किस तरीके से करना है। जो आपके ड्राइवर यूनिट होते हैं, 4 ड्राइवर यूनिट कनेक्ट करना है, 3 करना है, 2 करना है, पैरेलल अच्छा रहेगा, सीरीज़ अच्छा रहेगा, है ना। स्पीकर और मतलब दोनों चीज़ एक साथ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, वोल्ट सेक्शन और ओमिक सेक्शन दोनों यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आज मैं सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा, छोटी सी वीडियो रहेगी, कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में, ठीक है। अब चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों में सेम प्रिंसिपल लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सीरीज़ कनेक्शन है। तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन में आप कनेक्ट किस तरीके, मान लीजिए आपका जो लोड रहता है, देखिए जो लोड रहता है चाहे स्पीकर हो गया चाहे ड्राइवर यूनिट हो गया, वो आप उसको रेजिस्टेंस के तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। वो भी आपका एक तरीके से लोड ही काम करेगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ इसको रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ 3 स्पीकर कनेक्ट किए हो आप, फिलहाल तो रेजिस्टेंस है पर लोड के हिसाब से अगर आप स्पीकर भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसका जो आपका इम्पीडेंस है वो ये है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो ये है, जेड से डिनोट करते हैं इम्पीडेंस को, ठीक है। तो जब भी आप सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो हमेशा उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है ये भी समझा देता हूँ। देखिए अगर आपके पास ये बल्ब है, ठीक है, ये 2 बल्ब है आपके, सॉरी 3 बल्ब है, ठीक है। आप इसमें फेज दे दीजिए, इसमें न्यूट्रल दे दीजिए, ये हो गया। अगर इसकी जो रिक्वायरमेंट है 1.5 वोल्ट है, इसकी भी 1.5 वोल्ट है, इसकी भी 1.5 वोल्ट है ना, तो ये टोटल कितना हो गया, 1.5 1.5 3 और ये 4.5 वोल्ट आपका रिक्वायर्ड, ये टोटल मांगता है, मतलब ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। चाहे वोल्टेज ऐड कीजिए सीरीज़ में, चाहे आप रेजिस्टेंस ऐड कीजिए, चाहे इम्पीडेंस ऐड कीजिए, सब सीरीज़ में कनेक्ट होने के बाद ऐड होता है, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जो जो वैल्यू दिए रहेगा फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि 10 10 ओम्स मैंने रखा है, तो इसका 10 10 करके जो टोटल आता है 30 ओम्स होता है, ठीक है। मतलब ये टोटल एडअप हो जाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये टोटल कितना हो रहा है, 4.5 वोल्ट हो रहा है ना, ये वोल्टेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने इसमें जो आपने सप्लाई दी है वो सिर्फ 1.5 वोल्ट की दी है ना, तो आपका सिर्फ ये वाला LED जलेगा और ये नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि सबका सेम वोल्टेज है। तो जो सबसे पहले वाला है वो जलेगा, और अगर इसमें ये 4 4 वोल्ट के होते और ये 1.5 वोल्ट का होता तो ये जलता है, बाकी सब नहीं जलता। मतलब जो सबसे कम वोल्टेज वाला रहता है वो पहले जलेगा, और जो कम ज़्यादा वोल्टेज वाला रहता है वो नहीं जलता है, ठीक है, यहाँ कम जलता है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज गिर जाता है जाते जाते। तो यही कारण होता है जब इसको हम, जो आपका ड्राइवर यूनिट रहता है, क्योंकि ड्राइवर यूनिट क्या रहता है, हमारे जो ड्राइवर यूनिट रहते हैं ये आप देख सकते हैं, जो लाइन, जो मैचिंग लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर वाले जो ड्राइवर यूनिट होते हैं उसमें 100 वोल्ट रिक्वायरमेंट रहता है ना। अगर आप 3 ड्राइवर यूनिट कनेक्ट किए हो सीरीज़ में, प्लस माइनस, माइनस को प्लस में कनेक्ट किए, फिर उसका जो माइनस, सेकंड वाले का माइनस है उसको प्लस में कनेक्ट किए, फिर आपको 2 सिरा मिलेगा प्लस और माइनस, ठीक है। इसको आपका जो आपका एम्पलीफायर रहता है उसमें दिए रहता है कॉम 70 वोल्ट 100 वोल्ट, ठीक है, ये 3 चीज़ दिए रहेगा आपको। अब जो यहाँ पे आपको देना है वो है कॉम और 100 वोल्ट, है ना। तो ये 100 वोल्ट जो रहता है बहुत बड़ा वैल्यू होता है एक तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा पावर के लिए है। ये वाला सेक्शन इसलिए बनाया गया है ताकि अगर आप जो इसको लंबे समय, मतलब इसमें और जोड़ते जाते है ना, मतलब कम से कम 30 40 50 100 के हिसाब से भी जोड़ते, तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना हो बोल के आपका ये जो रहता है इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। क्योंकि वोल्टेज आपका सीरीज़ में जो रहता है चेंज होता है, यहाँ पे अलग वोल्टेज आएगा आपका, यहाँ पे अलग वोल्टेज आएगा, यहाँ पे अलग वोल्टेज आएगा। अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो अगर दो मतलब एक के बाद जो दूसरे तीसरे वाले जो आपके ड्राइवर नोट रहेंगे उसमें जो आपका आवाज़ है कम आने लगेगा, ठीक है, कम आएगा तो साउंड अच्छी नहीं आएगी, साउंड अच्छी नहीं आएगी तो आपका जो एम्पलीफायर उसमें भी लोड पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा उसमें दिया है, ये भी ख़राब हो सकते हैं, आपका एम्पलीफायर भी डैमेज हो सकता है, उस वजह से तो आप इसको सीरीज़ में नहीं कनेक्ट कर सकते, ठीक है।
ये होता है 100 वोल्ट लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर वाले यूनिट का। और जो ड्राइवर यूनिट आते हैं जो विदाउट ट्रांसफार्मर वाले रहते हैं वो आपका ज़्यादा 16 ओम्स के आते हैं, ठीक है। तो उनको आप यहाँ नहीं कनेक्ट कर सकते, मतलब इसके साथ नहीं कनेक्ट कर सकते, है ना, ये कॉम 70 वोल्ट 100 वोल्ट में नहीं कनेक्ट कर सकते। उसको आप क्या में कनेक्ट करोगे, जो कॉम 4 ओम्स 8 ओम्स 16 ओम्स, ज़्यादातर नॉर्मली यही दिया रहता है। तो आप ये वाले जो ड्राइवर यूनिट रहेंगे उसको आप कॉम में कनेक्ट करेंगे और 16 ओम्स में कनेक्ट करेंगे, अगर आप एक कनेक्ट कर रहे हैं तो, है ना। तो ये तो आपका सीरीज़ में हो गया, है ना, सीरीज़ में आपको समझ में आ गया होगा। अब यही चीज़ ना, अगर आप सीरीज़ में ही बात कर रहे हैं तो अगर मैं स्पीकर का बात करूँ, है ना, अगर स्पीकर का बात करो तो मान लीजिए ये 4 ओम्स का है, ये 4 ओम्स का है, तो अगर आप इसको सीरीज़ में जोड़ोगे तो दो निकलेगा, प्लस और माइनस निकलेगा, तो ये आपका जाएगा कॉम में और ये जाएगा आपका 8 ओम्स में। अब 8 ओम्स में कैसे, 4 प्लस 4 जैसे मैंने बताया, इसको ऐड करेंगे तो अगर आप इसको ऐड करते हैं जो कि आपका Z1 प्लस Z2 होता है, तो आप क्या होगा 4 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 8 ओम्स, है ना। तो 8 ओम्स होता है, तो आपको 8 ओम्स में कनेक्ट करना है कॉम और 8 ओम्स में। कॉम जो रहेगा माइनस रहेगा, 8 ओम्स जो रहेगा प्लस रहेगा, 4 8 ओम्स 16 ओम्स ये प्लस रहते हैं, ठीक है। ये होता है सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ में करंट जो रहता है सेम रहता है, वोल्टेज जो रहता है चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है बोल के हम सीरीज़ में ज़्यादातर कनेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपका सीरीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन में क्या रहता है, जो तीन आपके लोड हैं उसको आप जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल उसको आपस में कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देंगे, प्लस और माइनस बनेगा, है ना। और वो जो दो टर्मिनल है वो आपके एम्पलीफायर में कनेक्ट होंगे। अब इसका जो इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज रहता है सेम रहता है, बट जो करंट रहते हैं वो चेंज होते हैं, हर इसमें करंट अलग होगा, इसमें करंट अलग होगा, इसमें करंट अलग होगा, ठीक है। अब वोल्टेज सेम रहेगा तो इसमें जो आपका जितना पावर इसको चाहिए वो उतना पावर ड्राइवन करेगा। अगर जैसे आप स्पीकर भी कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए 50 वाट आउटपुट देता है तो 50 वाट आउटपुट देगा। अगर आप इस तरीके से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो 50 वाट के बजाय कम देने लगेगा, है ना। ये आपका मतलब अगर मान लीजिए जैसे कि 100 वोल्ट वाले 10 वाट के आप इसमें 40 वाट तक मेरे ख्याल से रहता है, 40 वाट में अगर इसमें आपने इसको 10 वाट सेट किया, इसको 10 वाट सेट किया, इसको 10 वाट सेट किया है, तो ये 10 वाट के बराबर जले देगा। और अगर मान लीजिए इसको 20 वाट दिए, इसको 10 दिए, इसको 20 दिए, इसको 20 दिए, तो 10 वाट वाला आपका आवाज़ करेगा और ये दोनों नहीं करेगा, ठीक है, आवाज़ बिल्कुल नहीं करेगा या फिर थोड़ा सा करेगा। इसके कारण से हम इसको सीरीज़ में नहीं कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यही चीज़ अब यहाँ पे समझते हैं। तो इसका जो आपका कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, 1/R eq = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। इम्पीडेंस है तो Z1 से डिनोट करते हैं, मतलब Z से डिनोट करते हैं, तो वही उस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया है, 1/10 + 1/10 + 1/10। तो जो 10 है वो आपका 30 हो जाएगा, आपके ऊपर अगर ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, LCM निकाल के जब किए हैं, ठीक है, 1/10। तो इसका जो टोटल आपका ओम्स इक्विवेलेंट ओम्स इम्पीडेंस आ जाता है वो 10 ओम्स आता है, ठीक है, 10 ओम्स आ रहा है। अब ये 10 ओम्स पैरेलल में आ रहा है, यही कनेक्शन सीरीज में 30 ओम्स आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस आप कितना देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये चीज़ होता है। अब यही चीज़ अगर आप इसमें कनेक्ट करेंगे तो आपको सेम इस तरीके से करना है। मान लीजिए अगर 4 ओम्स का है पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो ये आपका आधा होते जाएगा, ठीक है, 1/4 + 1/4 + 1/4। अगर आपका 8 ओम्स का है यही चीज़ है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये हो गया। अगर आप सिर्फ दो कनेक्ट कर रहे हैं, इसको आपस में कनेक्ट किया, ये प्लस रहा, ये माइनस रहा, अगर ये 8 ओम्स का है, ये भी 8 ओम्स का है, इसको आप कनेक्ट करेंगे तो जैसे अगर आप इसको कनेक्ट करते हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/8 + 1/8, तो जो LCM लेंगे तो 8 आ जाएगा नीचे और ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका 4 से कटेगा 1/4, तो जो 1/R eq = 1/4, तो R = 4 ओम्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको कहाँ कनेक्ट करना है, प्लस को 4 ओम्स में कनेक्ट करना है और जो आपका माइनस है उसको आपको कॉम में कनेक्ट करना है। ये आपका पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो पैरेलल में जैसे मैंने बताया वोल्टेज सेम रहता है बोल के हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जब आप स्पीकर कनेक्ट करते हैं, जैसे अगर आपका 16 ओम्स वाला रहेगा, कहाँ गया, ये रहा 16 ओम्स वाला अगर ड्राइवर यूनिट है, ये अगर 16 ओम्स के रहेंगे तो 16 ओम्स का बहुत जगह सेक्शन नहीं दिया रहता है। अगर आपको 8 ओम्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे,
216 ओम्स के जो आपके ड्राइवर नोट रहेंगे, जैसे कि 1/16 + 1/16, अगर उसको पैरेलल जोड़ते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करना है। तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका 1/8 में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या में कनेक्ट करोगे, 8 में कनेक्ट करोगे, मतलब कॉम में कनेक्ट करोगे और आपका 8 ओम्स में कनेक्ट करोगे। अगर 3 है तो उसके हिसाब से आप जोड़ते जाइए, ठीक है, आपको सिंपली समझ में आते जाएगा। ये होता है सीरीज़ और पैरेलल में डिफरेंस। ठीक है, थियोरेटिकली मैंने समझाने की कोशिश की है, प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने कनेक्शन करके दिखाया है, यूज़ करके दिखाया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो आपके स्पीकर्स होते हैं, जो पावर स्पीकर रहते हैं, लो इम्पीडेंस स्पीकर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है पैरेलल सीरीज़ जो कॉम्बिनेशन है मिक्स करके यूज़ करना पड़ता है। और वोल्ट वाले सेक्शन, मतलब जो आपका 100 वोल्ट वाला, जो आपका कॉम 70 वोल्ट 100 वोल्ट है, इसमें आप पैरेलल में ही कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट चीज़ एक और बताना चाहूँगा, अगर वाटेज के हिसाब से आपको डाउट होता है कि अगर 100 वाट का एम्पलीफायर है तो अगर 50 वाट का मैं अगर 4 स्पीकर कनेक्ट करता हूँ, है ना, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? कॉमन सी बात है, नहीं चलेगा, क्योंकि 100 वाट इसमें रिक्वायर्ड है। आप इसको दो अगर जोड़ेंगे तो चल जाएगा, अगर उससे एक और जोड़ेंगे तो 150 वाट हो जाता है। 150 वाट जो रहेगा आपका लोड उसमें पड़ेगा, चलाने के लिए चल सकता है, बट कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वीक हो जाएगा आपका जो मतलब जो इक्विपमेंट्स में जो आपके लगे रहते हैं कैपेसिटर्स वगैरह, है ना, आईसी वगैरह जो रहती है, वो हीट हो जाएगी, ट्रांजिस्टर हीट होंगे, आपका एम्पलीफायर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो वाटेज है उसी की रिक्वायरमेंट में आप इसको चलाइए। ठीक है, एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, जो आप जैसे मान लीजिए अगर 50 के 4 कनेक्ट किए, उसको चला रहे हैं 100 वाट में, तो ये कितना हो गया 50, ये आप इंटू 4 करेंगे तो ये आपका 200 वाट हो जाता है। 100 वाट के ऊपर 200 वाट चलाएंगे तो 200 वाट तुरंत नहीं लेते हैं एम्पलीफायर, जब आप उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना तब धीरे धीरे वाटेज बढ़ता है। तो अगर आप उसको कम वाटेज में चलाएंगे तो आप 200 वाट भी चला सकते हो। ठीक है, ये चीज़ काम आता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।